चुनावी वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। थिएटर 2016 बाली जल्द करो, जल्द करो। देख रहे हमारे साथी, जो पांच साथी सोए हुए हैं, लेटे पड़े हैं, वो कुछ खाए नहीं है उतने दिन से। आपको जरा सा भी दर्द नहीं होता? आपके बच्चे भी तो हमारे उतने बड़े होंगे। जहां एक तरफ रांची के मोराबादी मैदान में पहले से ही अपने हक की लड़ाई के लिए धरने पर बैठे होमगार्ड के अभ्यर्थी हैं, वहीं दूसरी तरफ बापू वाटिका के समक्ष बैठे जेटेड और पंचायत सचिव और लिपिक के अभ्यर्थी अपनी मेहनत और लगन के फल की मांग कर रहे। अगर बातों पर ध्यान दी जाए तो सभी अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर बैठे हैं। जिन गलियारों में सभी ने अपने मेहनत के अंजाम के लिए धरना दिया है, यहां अक्सर सत्ता के मठाधीशों का आवागमन बना रहता है। पिछले 8 दिनों से हम लोग अमरन अनशन पे बैठे हुए हैं। हमारी एक ही मांग है, 2016 में जो जेटेड पास सभी अभ्यर्थी हैं उनकी उम्र सीमाएं और सर्टिफिकेट की वैधता समाप्त होने के कगार पे है। सरकार से निवेदन है, हमें सरकार ने वादा किया था 1 माह के अंदर हम सबों की अविलंब शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। जिस नियम के तहत, नियमावली 2012 के तहत हमारी एग्ज़ाम हुई थी, उसी नियुक्ति नियमावली 2012 के तहत ही हम लोगों की नियुक्ति होनी है। सरकार कोई सूद नहीं ले रही है। पिछले 8 दिनों से हम लोग अनशनकारी बैठे हुए हैं और ये जो आप देख रहे हैं सलाइन जो चढ़ रहा है हम लोगों को, ये जो है अपना चंदा इकट्ठा करके हम लोग व्यवस्था किए हुए हैं। सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं दी गई है, केवल रूटीन चेकअप, एक बीपी और प्रेशर को चेक कर लिया जाता है और कुछ नहीं किया जाता है। मगर फिर भी इनके पास इनके कामों के लिए गिने चुने लोग ही इनसे मिलने आए। इस बात से बिगड़े अभ्यर्थी ने सरकार से सवाल किया, क्या ये हक सिर्फ सत्ता में बैठे मठाधीशों को ही है कि बिना पढ़े मंत्री बन जाए और कोई पढ़कर भी बेरोजगार रहे? क्या यही इंसाफ है? आपको बताते चले कि पिछली रात कुछ प्रशासन कर्मी और कुछ हॉस्पिटल कर्मियों ने जबरन जेटेड अभ्यर्थियों को धरनास्थल से हटाने की कोशिश की, मगर सभी जेटेड अभ्यर्थी डटकर मुकाबला किया और अपने ठोस निर्णय से पीछे ना हटे। इसी के साथ रांची से P3 न्यूज झारखंड के लिए पूजा और काजल की देखे एक रिपोर्ट। बड़ी उम्मीद के साथ हम लोगों ने टीचर ट्रेनिंग किया था और इस हाथ से कलम पकड़ने की ख्वाहिशें थी। जामिया जैसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, जहाँ से गांधी जी ने बेसिक एजुकेशन की शुरुआत की थी, उस एजुकेशन इंस्टीट्यूट से हमने ट्रेनिंग ली और अपने झारखंड के गरीब बच्चों की शिक्षा देना चाहिए। लेकिन जिस हाथ से कलम पकड़ के मैंने शिक्षा देना चाहा बच्चों को, उस हाथ में ऐसी सरकार ने निडल भोंक दिया है। बड़ा अफसोस होता है ये सोच कर कि इतनी सारी एक्सपेक्टेशन के साथ आया था दिल्ली से झारखंड 2016 टेट क्वालिफाइड होने के बाद और आज तक बेरोज़गार हैं। मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितनी जल्दी इस मैटर को सॉल्व कर लें, वो हम सभी भारत झारखंड वासियों के लिए भला होगा। मेरा नाम मोहम्मद अफरोज आलम, जेटेड उत्तीर्ण बहाली शिक्षक मोर्चा के कार्यकारिणी अध्यक्ष। ये बात 2-3 दिन से हो रही है, ठीक है। दोपहर में भी हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, दोपहर में भी प्रशासन की बहुत कोशिश हुई पर वो कोशिश सफल नहीं हो पाई, ठीक है। फिर शाम को जब हम लोग बहुत कम लोग यहाँ बच गए थे, शाम में जब अंधेरा हो चुका था, बहुत कम लोग यहाँ बच गए थे, तो उन्होंने फिर कोशिश की हमें हटाने की, तब भी वो नाकामयाब रहे। कोशिशें बहुत पहले से चल रही हैं हमें यहाँ से हटाने के लिए, पर वो कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही है।